गाइस आज की इस वाली वीडियो में हमने भाई सुगर केन फार्म प्लस मेलन एंड पम्पकिन फार्म की मदद से बनाया अपना बोन मील फार्म। तो भाई आज की ये वाली वीडियो काफी ज्यादा तगड़ी होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। और वीडियो अच्छी लगे तो यार जरूर से एक लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना। और आप में से भाई 66% लोग वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज यार उस सब्सक्राइब वाले बटन को भी दबाई देना, मतलब वो दबाने के लिए। और आपके सब्सक्राइब करने से यार हमको बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो आपके लिए एक सेकंड का काम है, तो भाई दबा देना और बेल के आइकन को ऑल पे कर देना, जिससे कि यार आने वाली माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज की खतरनाक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइस चलते हैं यार आज की इस वाली कमाल की वीडियो की तरफ। हेलो गाइस, सो यार वेलकम बैक। एंड भाई आ चुका हूँ मैं फिर से एक और न्यू माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज का खतरनाक एपिसोड लेकर। अब गाइस जैसे कि यार आपको याद होगा कि लास्ट वाली वीडियो में हमने बनाया था यार ये वाला वर्ल्ड का बिगेस्ट वीट फार्म, जो कि अभी मेरे ठीक पीछे है। तो भाई जिसने भी अभी तक ये वाली वीडियो चेकआउट नहीं करी है ना, एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। मतलब लिटरली इस वाली वीडियो में हमको काफी ज्यादा मेहनत लगी थी, तो इससे जस्ट पहले वाला एपिसोड है जरूर से देख लेना। खैर गाइस आज के इस वाले माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड में हम बनाने वाले हैं यार बोन मील फार्म। अब देखो बोन मील फार्म का ना हमको काफी ज्यादा यूज होने वाला है आने वाले फार्म्स के लिए, तो इसलिए हमने सोचा कि यार क्यों ना बोन मील फार्म बना लिया जाए। अब बोन मील क्या है कि हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो यार अपने स्केलेटन के स्पोनर से, मतलब स्केलेटन की जो बोन होती है उसकी मदद से हम बोन मील बना सकते हैं, और सेकेंड क्या है कि यार हम कंपोस्टर वाले मेथड से बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे पास यार काफी ज्यादा क्वांटिटी में वीट होना चाहिए, शुगर केन होना चाहिए, पम्पकिन या मेलन होना चाहिए। मतलब इन सारी चीजों से क्या है कि कंपोस्टर की मदद से आप इजीली बोन मील बना सकते हो। अब देखो इन सारी चीजों के ना अपने पास फार्म है, और ऐसे वैसे फार्म्स भी नहीं है, मतलब वर्ल्ड के बिगेस्ट फार्म्स है हमारे पास। और सुगर केन फार्म जो है ना अपना, देखो अभी तो वो रेंडर नहीं हो रहा है यहां से क्योंकि चंक्स लोड नहीं हो रहे हैं। तो गाइस अब अपने पास क्या है कि वीट भी है, सुगर केन भी है, पम्पकिन एंड मेलन भी है। एंड भाई इतना सारा सुगर केन, पम्पकिन और वीट, मेलन ये सब है ना, ये सब पड़ा पड़ा सड़ रहा था और हम दोनों भाई यूज भी नहीं कर पा रहे थे। तो हमने सोचा कि भाई हम सेकंड वाले मेथड के साथ जाएंगे, और फर्स्ट वाले मेथड के लिए हमको स्केलेटन का स्पोनर्स भी चाहिए था जो कि हमको मिला नहीं था। तो हमने सोचा भाई कंपोस्टर की मदद से सुगर केन प्लस पम्पकिन एंड मेलन से हम बनाएंगे बोन मिल, क्योंकि पड़ा पड़ा सुगर केन भाई वो बेकार ही हो रहा था, उसका कुछ यूज नहीं हो रहा था। तो गाइज आज की इस वाली वीडियो में हम भाई सुगर केन प्लस मेलन एंड पम्पकिन फार्म की मदद से बनाने वाले हैं अपना बोन मिल फार्म। और इस वाले बोन मिल फार्म से करीब गाइज हमको मिलने वाले एक घंटे में 10 स्टैक से ऊपर बोन मिल। तो भाई आज की ये वाली वीडियो काफी ज्यादा तगड़ी होने वाली है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो भाई देखो जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल पे न्यू हो तो उस सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो, मतलब दबाओ यार वो दबाने के लिए है। और यार बेल के आइकन को ऑल पे कर देना, जिससे हम जो भी यार माइनक्राफ्ट में खतरनाक चीज करते हैं, यूनिक चीजें करते हैं, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एंड गाइस सबसे बड़ी बात, आज हम जो अपना बोन मील फार्म बनाने वाले ना, ऐसा फार्म आपको अभी पूरे यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा, मतलब ये हमारा खुद का डिजाइन है। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो को एंजॉय करना, और अभी फिलहाल के लिए फटाफट मैं चलता हूं उस जगह पे जहां पे यार हम अपना बोन मील फार्म बनाने वाले हैं। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूं यहां पर, और हम जो अपना बोन मील फार्म बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं जस्ट सुगर केन फार्म और अपने पम्पकिन एंड मेलन फार्म के पीछे, बिकॉज हम जो अपना बोन मील फार्म बनाने वाले ना वो इन्हीं दोनों चीजों की मदद से बनाने वाले हैं। तो हमने सोचा भाई इन्हीं दोनों फार्म के बिल्कुल क्लोज में बनाएंगे, तो हमारा कैसल है भाई वो देखो बिल्कुल सामने, और कैसल के जस्ट सामने हम बनाने वाले हैं अपना बोन मील फार्म। अब बोन मील फार्म बनाने के लिए हमको जो जो जरूरी चीजें चाहिए वो यहां पर मैंने सल्कर बॉक्सेस में रख दिए। अब यहां पर हमारे पास है थोड़े ओग लोक एंड ड्रॉपर, माइनकार्ट विद होपर, रेडस्टोन कंपैक्टर, रिपीटर, रेडस्टोन डस्ट, पावर रेल, रेल एंड ब्लू कंक्रीट पाउडर बाहर का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। एंड देन इस वाले में है ग्लास स्कैल्प, और अभी हमें कुछ चीजें और चाहिए जैसे कि यार अपना सोल सैंड चाहिए, और बाकी जो भी चाहिए होगा वो हम जाके ले आएंगे। और बाकी के जितने भी सल्कर बॉक्सेस है ना भाई ये सभी खाली रखे हैं, मतलब अब वीट फार्म में इतने सारे सल्कर यूज हुए थे तो मैंने सोचा इनको उठा के यहीं पे ले आता हूँ, खैर इतने सारों का तो कोई यूज नहीं है। तो चलो गाइस इसी के साथ यार अब फाइनली अपने बोन मिल फार्म का काम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी सबसे पहले हमको क्या करना है कि हम जो अपना सुगर केन एंड पम्पकिन लेने वाले हैं वो इन चेस्ट से लेने वाले हैं, तो अभी इन चेस्ट के थ्रू हमको होपर कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले यार हम यहाँ पर एक जगह बना लेते हैं, अभी मैं थोड़ा आगे और चला जाता हूँ जहाँ पे यार अपने इन दोनों फार्म्स का सेंटर है, और यहाँ पे थोड़ा अंधेरा हो चुका है इनो।
तो गाइज यहाँ पे यार हमने दोनों फार्म्स की चेस्ट के नीचे जगह बना दिया है जहां से यार हम अपने होपर लेके जाने वाले हैं। अब इसके बाद हमको होपर बनाने हैं जो कि यार हमने नहीं रखे हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ यार अपने आयरन फार्म पे होपर बनाने, मतलब वहां से तो आयरन लेके आऊंगा क्योंकि होपर बनाने के लिए लकड़ी भी चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है, और जितना भी वुड है ना वो वहीं पर रखा हुआ है। तो अभी मैं फटाफट यहाँ से आयरन लेता हूँ और निकलता हूँ भाई। और गाइज यहाँ पे ये बन चुके हैं अपने होपर। अभी होमांस मैंने एक स्टैक बनाया तो 32 मैंने ड्रॉप कर दिए। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं यार अपना होपर वाला काम। तो सबसे पहले जो होपर है ना वो हम लगाते हैं यहाँ पे इस वाली चेस्ट पे, क्योंकि इसी वाली चेस्ट से हमको सामान नीचे लाना है एंड देन इसके बाद इस वाली चेस्ट पे। तो मेरे को नीचे क्राउच होके सब चेस्ट से होपर कनेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर भाई फटाफट हर चेस्ट पे मैं एक होपर लगा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे यार मैंने लास्ट तक होपर लगा दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे लगाना है हमें अपना ड्रॉपर एंड देन इसके बाद हमको ड्रॉपर लगाना है कुछ इस तरीके। सबसे पहले तो मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूँ एंड देन इसके बाद हमको ड्रॉपर लगाना है ऐसे। तो गाइस यहाँ पे यार मैंने ड्रॉपर लगा दिया है। अब ड्रॉपर को मुझे इन सारे होपर से कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने ऐसे होपर लगाया और एक होपर मेरे से गलती से फिर से नीचे लग गया। तो चलो अब ऐसे 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 ऐसे, तो गाइस कुछ इस तरीके से यार सारे होपर्स को कनेक्ट कर देना है मुझे। तो चलो गाइस कुछ इस तरीके से यार हमको लास्ट तक होपर लगा देने थे जो कि यार हमने लगा दिए हैं। मैंने इधर लगा दिए, होमांस ने इधर लगा दिए। अभी फिलहाल के लिए रात हो चुकी है तो एक बार सोकर भाई दिन कर लेते हैं। तो गाइस अब यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो कि भाई ड्रॉपर में यार अपने पम्पकिन एंड सुगर केन आना स्टार्ट हो चुका है और दोनों ड्रॉपर फुल हो चुके हैं। तो गाइस अब अपना जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि हम भाई ड्रॉपर को एक्टिवेट करने वाले हैं एंड देन इसके बाद यहाँ पे हम लगाने वाले हैं सोल सैंड, और सोल सैंड की मदद से हम भाई इस सामान को उठाकर डालेंगे कंपोस्टर में। तो गाइस अभी हमें चाहिए सोल सैंड, तो चलो हम नेदर से सोल सैंड लेकर आते हैं फटाफट। तो चलो गाइस फटाफट अब यहाँ से भाई सोल सैंड ले लेते हैं और फिर निकलते हैं फटाफट। तो चलो भाई हम आए और गए भाई। होमांस ने 3 स्टैक ले लिया और मेरे पास भी 1 स्टैक सोल सैंड हो चुकी है, और मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गई है, 1 स्टैक भी यूज़ नहीं होगी। तो गाइस अब यहाँ पे यार हमको ड्रॉपर के जस्ट आगे वाले ब्लॉक पे लगाना है सोल सैंड कुछ इस तरीके से। एंड अब सोल सैंड को भाई चारों तरफ से कवर कर देना है ग्लास से। तो मैं ले लेता हूँ ग्लास और ये बचा कुचा सोल सैंड यहाँ पे रख देता हूँ। एंड गाइस अब इसके बाद हमको कुछ इस तरीके से भाई ग्लास से इसको कवर कर देना है। तो गाइस अब कुछ इस तरीके से यार हमने ड्रॉपर के चारों तरफ ग्लास लगा दिया है। अब ड्रॉपर से हमको 6 ग्लास ऊपर चले जाना है। अब गाइस हम यहाँ पर ये जितने भी प्रोसेस कर रहे हैं ना अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन एक बार ना बस इसे बन जाने दो, उसके बाद मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा कि हमने सब कुछ क्या किया है, कैसे किया है, एंड आप भी ये कर सकते हो। तो गाइस अब अपना जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो ये है कि हमें सोल सैंड की मदद से पानी को भाई ऊपर तक लाना है, जिससे कि जब ड्रॉपर सुगर केन और उधर वाला ड्रॉपर मेलन ड्रॉप करे तो वो सामान ऊपर तक आ पाए। तो अभी के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि ऊपर वाले ब्लॉक पे लगा डालना है पानी, एंड पानी डालने के बाद हमको नीचे से ऊपर तक कैल्प लेके आनी है जिससे कि हर ब्लॉक पे पानी का सोर्स बन पाए। और भाई यहाँ पे देख सकते हो अब बस यार सिंपली हमको ये कैल्प तोड़ देनी है। तो मैं फटाफट कैल्प तोड़ देता हूँ और गाइज ये बन चुका है अपना पानी का सोर्स हर ब्लॉक पे। और अब सोल सैंड ने जो है भाई वो काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब देख सकते हो कि ऊपर की तरफ बुलबुले आ रहे हैं। A few moments later. तो गाइज अभी यहाँ पे हमने जो फार्म है ना अपना वो इतना बना लिया है। अभी हम जो भी प्रोसेस कर रहे हैं ना अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए यार मैंने ये डिसाइड करा ना कि एक बार हम पूरा फार्म को मतलब बना लेते हैं, जो भी हम करने वाले वो सारी प्रोसेस कर लेते हैं एंड देन इसके बाद मैं आपको सीधा लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा सब कुछ, एंड फिर आपको अच्छे से भी समझ में आ जाएगा। एंड तब तक के लिए आप टाइम लैप्स एंजॉय करिए। Girls with their nails done.
तो गाइस फाइनली यहाँ पर यार अपने बोन मील फार्म का काम जो है वो हो चुका है कंप्लीट। अब यार हमें बस इसे बाहर से डिजाइन देना, मतलब जैसे कि हमने अपने सुगर केन फार्म को दे रखा है, बेम्बू फार्म को दे रखा है, मेलन एंड पंपकिन वाले फार्म को दे रखा है, सेम ऐसे इसको एक डिजाइन देना है। लेकिन उससे पहले जैसे कि यार मैंने आपको बोला था कि यार मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करूंगा लास्ट में जब ये पूरा बन जाएगा उसके बाद। अब गाइस जैसे कि यार आपको पता होगा कि ये जो डिजाइन है ये हमारा खुद का डिजाइन है, ऐसा डिजाइन आपको पूरे यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा। सो दैट्स यहाँ पर मैंने डिसीजन लिया था कि मैं आपको बिल्कुल लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि बीच बीच में बाय चांस मान लो मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन कर दिया और तभी हमारे दिमाग में आए कि इस प्रोसेस को हम इससे भी अच्छा कर सकते हैं और वहीं हमने दूसरी चीज अप्लाई कर दी तो दो दो चीजें हो जाएंगी एंड फिर आपका दिमाग खराब हो जाएगा, बोलेगा भाई क्या बता रहे हो। तो दैट्स वाई यहां पर मैंने सोचा लास्ट में समझाऊंगा और जो हमारा फाइनल मेथड मतलब फाइनल आउटपुट निकलेगा उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको। अब जैसे कि यार आपको पता होगा कि सुगर केन एंड पंपकिन एंड मेलन को अगर आप कंपोस्टर में डालते हो एंड नीचे होपर लगा देते हो तो आप इजीली बोन मील बना सकते हो। अब जैसे कि यार आपको पता होगा कि हमारे पास यार वर्ल्ड का बिगेस्ट सुगर केन फार्म एंड वर्ल्ड का बिगेस्ट मेलन एंड पंपकिन फार्म और ये चीज ना हमारे पास भर रही थी, मतलब बहुत ही सारा सुगर केन था, बहुत ही सारा मेलन एंड पंपकिन था। तो हमने सोचा क्यों ना इनकी मदद से अपना बोन मील फार्म बना लिया जाए। अब बोन मील का यार काफी ज्यादा यूज होने वाला है हमारे आने वाले फार्म्स के लिए, सो दैट्स व्हाई हमने डिसीजन लिया था कि सुगर केन एंड पंपकिन और मेलन फार्म से हम बनाएंगे अपना बोन मील फार्म। अब गाइस सबसे पहले प्रोसेस हमारी ये थी कि हमें इन चेस्ट से सामान लेके जाना है ड्रॉपर तक। तो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पर जितने भी होपर थे इनको आपस में कनेक्ट करते 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 यहाँ तक ले आए ड्रॉपर तक और लास्ट में ये चेस्ट हमने कनेक्ट कर दिए ड्रॉपर से। एंड देन इसके बाद हमने भाई ड्रॉपर के जस्ट सामने वाले ब्लॉक पे सोल सैंड लगाई, दोनों ड्रॉपर्स के सामने सोल सैंड एंड उसके बाद पानी को उठा के ऊपर लगे कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद हमने भाई इसको चारों तरफ से ग्लास से कवर कर दिया एंड पानी जो है भाई वो ऊपर चला गया। एंड देन इसके बाद हमने क्या करा भाई ड्रॉपर के साइड में ऐसे ग्लास लगा के और यहां पे हमने बना दिया ड्रॉपर को ऑन करने का सिस्टम होपर वाले सिस्टम की मदद से, मतलब इन होपर को आपस में कनेक्ट करके। एंड देन इसके बाद कंपैरेटर को लगा के फिर रेडस्टोन रिपीटर को लगा के यहां पे अपना जो ड्रॉपर है वो हो चुका है ऑन, मतलब सेम वही मेथड जो कि यार हमने अपने कोबलस्टोन फार्म में मतलब यूज किया था अगर आपको याद हो। अब गाइस हम सुगर केन एंड मेलन को ऊपर तो ले आए थे, अब इसके बाद हमको किसी तरह इनको कंपोस्टर तक लेके जाना था। तो हमने क्या करा कि यहां से एक ब्लॉक तोड़ के हम आगे 9 ब्लॉक गए। अब जैसे कि यार आपको पता होगा कि जो वाटर है वो 8 ब्लॉक तक फ्लो होता है, तो दैट्स व्हाई यहां पे हमने क्या करा कि 8वें ब्लॉक पे फेंस लगा दिए एंड फेंस के जस्ट आगे लगा दिए एक डर्ट एंड डर्ट के नीचे हमने क्या करा कि भाई अपने बोन मील फार्म का काम जो है वो स्टार्ट करा। अब सबसे पहले हमने क्या करा ना डर्ट के नीचे सबसे पहले ये स्टोन की थोड़ी सी वॉल बनाई, बिकॉज यहीं से यार हम अपनी माइनकार्ट विद होपर ऑन करने वाले थे, दैट्स व्हाई। एंड देन इसके बाद हमने क्या करा कि यहां पे सबसे पहले लगाए होपर, क्योंकि हमको पता था कि होपर के ऊपर जस्ट हम लगाएंगे रेल एंड रेल के ऊपर हम रन करेंगे माइनकार्ट विद होपर। तो यहां पे माइनकार्ट विद होपर क्या करता है कि जो भी सामान डर्ट के ऊपर आता है वो उसको खींच लेता है और होपर माइनकार्ट विद होपर में से सामान खींच लेते हैं एंड इसके बाद अपना जो सामान है वो जाता है कंपोस्टर में और कंपोस्टर के नीचे हमने लगा दिया होपर। तो कंपोस्टर जब फुल हो जाता है तो होपर उससे सामान खींचता है, मतलब तो गाइस जब कंपोस्टर में बोन मील बन जाता है तो ये वाले होपर क्या करते हैं कि कंपोस्टर खाली कर देते हैं और बोन मील आ जाता है फिर इन वाली चेस्ट में एंड इस वाली चेस्ट के नीचे हमने अगेन होपर लगा दिया, क्योंकि हमको जितना भी बोन मील है ना वो चाहिए इस वाली चेस्ट में। तो जितना भी बोन मील बनता है वो हमको मिल जाएगा इस वाली चेस्ट में। तो ये थी यार पूरी प्रोसेस। गाइज उम्मीद करता हूँ यार आप सभी को सब कुछ समझ में आ चुका होगा यहाँ तक। एंड गाइज अब इसके बाद क्या है कि यार हमको इसको बाहर से पूरा लुक देना है, तो हम फटाफट भाई बाहर से इसको लुक देते हैं एंड फिर मिलते हैं आपको 20 minutes later. तो finally guys, after 3 घंटे की मेहनत यहाँ पे यार हमारा bone meal farm जो है वो बन के complete हो चुका है।
अब मतलब हम ना इतने बड़े बड़े फार्म बनाते हैं जिनको बनाने में हमको घंटों लगते हैं, तो अब 2-3 घंटे तो ऐसे ही लग रहे हैं हमको कि भाई कितनी जल्दी हो गया, लेकिन एक आम पर्सन के लिए 2-3 घंटे भी बहुत ही ज़्यादा है। खैर अब इसके बाद देखो, हमने बोन मील फार्म का जो अंदर का काम था वो तो सारा कंप्लीट कर दिया था, और अब सिर्फ रह गया था बाहर का काम जो कि हमने कर दिया है। अब इसके बाद अपना जो बोन मील फार्म है वो देखने में ना भाई बहुत ही ज़्यादा ओपी लग रहा है, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा ना भाई तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है यार। ये देखो एक ही लाइक तो करना होता है, तो जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबाओ, मतलब वो दबाने के लिए ही है, तो उसे दबाओ और बेल के आइकन को ऑल पे कर देना, जिससे कि हम जो भी माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज की खतरनाक वीडियोस लाते हैं ना भाई उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, जिससे कि आप सबसे पहले देख पाए। तो चलो यार अब बिना किसी देरी के मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। सो 3, 2, 1 एंड भाई देख सकते हो कि यार यहाँ पे हमने यूज किया है इस बार ब्लू कंक्रीट का, जो कि यार हमको अपने डाई फार्म से मिल गई थी। अब हमने बाउंड्री क्या है कि ब्लू कंक्रीट से बनाई है एंड बीच में लगा दिया है ग्लास एंड अंदर लगा दिया लैंटेन, और भाई साहब बाहर से देखने में क्या ही ओपी लग रहा है। अब इसके बाद एक बार मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ कि नीचे से देखने में कैसा लगेगा ये। तो गाइस अंदर से देखने में ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब इसके बाद यार हमें ना करीब 1 घंटा होने वाला होगा, मतलब अभी 40 या 50 मिनट हुए होंगे मुश्किल से, क्योंकि जब से हमने इस फार्म को ऑन किया तब से मैंने आपको वो चीज एक्सप्लेन करी थी एंड इसके बाहर का स्ट्रक्चर बनाया, एंड इस स्ट्रक्चर को बनाने में हमको ज्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब आधे घंटे में ये बन गया। अब इसके बाद क्या है कि यार चलो ऑलमोस्ट 1 घंटा मान लो, अब 1 घंटे के अंदर देखते भाई हमको कितना बोन मील इससे मिल गया है। तो भाई 1 घंटे के अंदर हमारे पास हो चुके हैं ऑलमोस्ट 9 स्टैक बोन मील के, और 9 बोन मील के स्टैक कंप्लीट होने वाले, मतलब आधा बोन मील तो होपर्स में होगा जो कि यहां तक आ रहा होगा। तो गाइस ये यार अपना सुपर फास्ट बोन मील फार्म जो कि यार हमने अपने दिमाग से बनाया, मतलब ये इतना सारा सुगर केन और पंपकिन मेलन चेस्ट में पड़ा पड़ा सड़ी रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना भाई इसका बोन मील बना लिया जाए। तो गाइस कैसी लगी यार आपको आज की ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो यार जरूर से एक लाइक करते जाना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके उस बेल के आइकन को जरूर से ऑल पे कर जाना, एंड शेयर कर देना इस वाली वीडियो को अपने माइनक्राफ्ट वाले दोस्तों के साथ, मतलब उनको भी ऐसी प्रोसेस के बारे में पता चलना चाहिए, और बाकी यार मेरी हेल्प हो जाएगी तो जरूर से शेयर कर देना। सो गाइस मैं मिलता हूं आप सभी को फिर से एक और न्यू माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज के खतरनाक एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट सर्वाइवल सीरीज, पीस।